नमस्कार दोस्तों, आइए जब जाने इन्वर्टर के बारे में, इन्वर्टर की इंडिकेटर लाइट के बारे में। जैसे कि इन्वर्टर में ये चार्जिंग लाइट हमारी बंद करके दिखा रहा है कि इन्वर्टर में चार्जिंग लाइट है वो जल नहीं रही है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर हमारा फुल चार्ज कर चुका है बैटरा को, इसलिए हमारी चार्जिंग लाइट बंद है। जैसे कि बैटरा जब ओवर चार्ज हो जाता है तो क्या करता है कि इन्वर्टर अपने रिले की वजह से जो चार्जिंग है बंद कर देता है। जैसे कि देखते हैं, हमने पूरा बंद कर रखा है, इस समय कोई भी चार्जिंग लाइट नहीं जल रही है, इसमें हमने लाइट बंद कर रखी है। जैसे ही इसको लाइट देंगे हम, वैसे ही चार्जिंग करना शुरू कर देगा। हमने लाइट दी, चार्जिंग आ गई है, और इन्वर्टर ऑन करेंगे तो इको मोड भी चालू हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लाइट बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा बैटरा जो है फुल चार्ज है, इसलिए ये लाइट बंद हो जाएगी। देखने थोड़ी देर में लाइट बंद होने वाली है। जैसे कि लाइट बंद हो गई, इसका मतलब ये है कि हमारा बैटरा फुल चार्ज है, इसलिए लाइट बंद हो चुकी है। दोस्तों, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमारा बैटरा चार्ज नहीं कर रहा है, बट चार्ज हो रहा है, लेकिन लाइट बंद हो रही है क्योंकि ये हमारा ओवर चार्ज हो चुका है। ये इन्वर्टर में रिले लगी होती है जिसकी वजह से कट करके ये चार्जिंग बंद कर दी जाती है। ये दोस्तों, किसी किसी इन्वर्टर में जो चार्जिंग लाइट होती है वो ब्लिंक करना बंद हो जाती है, किसी किसी इन्वर्टर में पूरी बंद हो जाती है। कुछ इन्वर्टर में सेटिंग होती है, वो चार्जिंग जब तक ब्लिंक करती है, लप लप करती रहती है, तब तक वो हमारा बैटरा चार्ज करता रहता है। फिर एक बार क्या होता है कि लाइट हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है, तो वो हमारी चार्ज बंद हो चुकी है, मतलब चार्जिंग हो चुका है इसलिए बंद हो गई। और ये इन्वर्टर में ऐसा है कि चार्जिंग लाइट ही शो करना बंद हो रही है, इसलिए इसमें ये फंक्शन है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए, ऐसे ही इन्वर्टर के और बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे, यूजफुल वीडियो, जो इलेक्ट्रिक के सारे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।